हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिनय आनंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोलॉजी पे, जहां हम बात करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ जियोलॉजी पे। फिलहाल हम एक मिनरोलॉजी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हम फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। हम जीरो से शुरू करने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये हम कैसे शुरू करने वाले हैं, क्या किया है और कैसे मैं इसके लिए प्रोसीड करूंगा, कहाँ से क्या आइडिया आया मैं जो ये सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। बेसिकली हमारा जो नॉर्मल हायरार्की है, बीएससी में भी हमारा मिनरोलॉजी होता है और फिर हम बीएससी के बाद कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि जैम का हो गया, बीएचयू का हो गया एमएससी एंट्रेंस के लिए, और भी डिफरेंट डीयू का हो गया, जिसका भी देते हैं, वहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं मिनरोलॉजी के। उसके बाद जब आप सीएसआईआर नेट के लिए अपेयर हो गए, नेट या फिर जेआरएफ के लिए अपेयर होते हो, तो वहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मिनरोलॉजी का सेक्शन। फिर उसके बाद एमएससी में भी आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इंक्लूड है, डीयू में पहले नहीं था, फिलहाल अभी इंक्लूड किया गया है मिनरोलॉजी को। उसके बाद फिर आप गेट के लिए देते हो, वहाँ भी मिनरोलॉजी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यूपीएससी जीएसआई के लिए तो है ही, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और क्या है कि ये बेसिक और सबसे प्राइमरी सब्जेक्ट जो है वो है जियोलॉजी का। तो अगर आप नए हो जियोलॉजी पे, आप बीएससी के स्टूडेंट हो, तो आपको आपकी अगर मिनरोलॉजी काफ़ी स्ट्रांग होगी, तो आपके बाकी भी पेट्रोलॉजी हो गए, स्ट्रक्चर जियोलॉजी हो गए, ये सारे काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको उन चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी। तो आइए हम पहले देखते हैं कि मिनरोलॉजी होता क्या है। हम पहले डेफिनेशन पे चलते हैं, व्हाट इज मिनरोलॉजी। अकॉर्डिंग टू द विकिपीडिया, मिनरोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ जियोलॉजी स्पेशलाइजिंग इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल एंड मिनरल आर्टिफैक्ट्स। स्पेसिफिक स्टडीज विद इन द मिनरोलॉजी इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ मिनरल ऑरिजिन एंड फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज देयर यूटिलाइजेशन। बेसिकली क्या है कि कोई भी मिनरल है, मिनरल्स के बारे में या फिर जो उसके आर्टिफैक्ट्स होते हैं, उनका एक तो हमें डिटेल स्टडी करना है उसके केमिस्ट्री के बारे में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में। दूसरा है कि उसकी ओरिजिन और फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके कितने टाइप के होते हैं, फिर उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इंडियन अक्रेंस हो गया या फिर वर्ल्ड वाइड जो उसका अक्रेंस है, ये तो टोटल जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम मिनरोलॉजी बोलते हैं। बेसिकली हमारे सिलेबसों में क्या होता है कि मिनरोलॉजी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया होता है। एक तो मिनरोलॉजी करके होता है, जिसमें हम किसी भी मिनरल्स के बारे में उसके डिटेलिंग करते हैं, और दूसरा क्रिस्टलोग्राफी होता है, और तीसरा होता है हमारा ऑप्टिकल मिनरोलॉजी। तो क्या है, अभी मैं मिनरोलॉजी से का सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, क्रिस्टलोग्राफी का सीरीज करने जा रहा हूँ। हर अल्टरनेट डे एक एक वीडियो आपको मिलेगा इस चैनल पे, और उस वीडियो को मैंने कैसे प्लान किया है, वो मैं कैसे बनाऊंगा, किस सीक्वेंस में बनाऊंगा, आइए उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो, मैंने सबसे पहले क्या किया है कि मैंने बीएससी के सिलेबस को स्टडी किया है कि क्या क्या टॉपिक है, मैंने उनको देखा है। आप देख सकते हो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इसलिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस को प्रिपेयर किया है। तो मोस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो उसके सिलेबस ऑलमोस्ट यही होते हैं, थोड़े एक दो पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। तो ये हमारा बीएससी का सिलेबस है, आप देख सकते हो क्या क्या है, अपने कंपेयर कर सकते हो आप अपने सिलेबस के साथ। तो मैं इसको रीड आउट नहीं करने वाला है, वो बेवकूफ़ी होगी, टाइम वेस्ट होगा हमारा, तो आप बस देख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने जैम का सिलेबस को देखा है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं उसमें। तो क्या होता है कि ऑलमोस्ट वही जो बीएससी का सिलेबस है वही है, ऑब्वियस सी बात है वही होगा, एक्स्ट्रा कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर हम बीएससी के सिलेबस को अच्छे से करें तो जैम वाला ऑलरेडी कवर हो जाएगा। फिर जैम के बाद हम अगर सीएसआई नेट के लिए एग्ज़ाम होते हैं, तो आपको यहाँ मोस्ट 50-60% सिलेबस आपके बीएससी से होने वाले हैं, और जो 40% जो है सिलेबस वो आपको एमएससी से आते हैं। तो अगर आप बीएससी और एमएससी में क्या डिफरेंस है कि बीएससी के सिलेबस को ही एमएससी में क्या होता है ना, डिटेलिंग में करते हैं, तो वो एमएससी का सिलेबस हो जाता है। तो एक चीज़ ये हो गया, और फिर हम उसके बाद अगर ये देखो एमएससी का सिलेबस है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है, तो इसमें 6 यूनिट में है, बीएससी में 4 यूनिट था, यहाँ 6 यूनिट है। दो वाला तो अप्लीकेशन पार्ट है, ये डिफरेंट है ये, बाकी वही 4 यूनिट ही है। 4 यूनिट में क्या है कि डिटेलिंग में अब हमें करने हैं, जो बीएससी में हम नॉर्मल एक टॉपिक इंट्रोडक्शन था उसका, तो उसी को डिटेल में और क्या है, तो उस लेवल पर हमको करना है एमएससी में। और फिर आप जब गेट के लिए अपेयर हो गए, तो वहाँ भी मिनरोलॉजी का सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ भी क्रिस्टलोग्राफी और मिनरोलॉजी से आते हैं क्वेश्चन। आप
एक चीज़ करके देखना, मैं ऐसा क्यों करके दिखा रहा हूँ कि ये जो गेट का सिलेबस है, गेट का जो सिलेबस है ना, आपके 80 to 90% जो है ना आपका बीएससी का सिलेबस है। अगर बीएससी में आप मिनरोलॉजी को अच्छे से कर लोगे तो गेट आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, एटलीस्ट मिनरोलॉजी सेक्शन के लिए। अभी हम दूसरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ना देखा है उसका सिलेबस अभी, तो उसके लिए हम नहीं बोल रहा, लेकिन मिनरोलॉजी के लिए ना 80 to 90% आप कंपेयर करके देख लो। अभी आप चलो एक टॉपिक मैं ऊपर वाला ही पढ़ देता हूँ, क्रिस्टलोग्राफी में क्या है। देखो बेसिक क्रिस्टल सिमेट्री एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ग्रुप, मिनरोलॉजी में फिर आता है क्रिस्टल सिलिकेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड डिटरमिनेटिव मिनरोलॉजी ऑफ कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल। अब हम बीएससी के सिलेबस बात में देखते हैं क्या ये है वहाँ पे। क्रिस्टलोग्राफी में क्या है, अब देखो क्रिस्टल मॉर्फोलॉजी है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, पैरामीटर्स एंड इंडिसेस है, ओके। अब देखो 32 पॉइंट ग्रुप यहाँ पे भी है, वही मिनरोलॉजी में आप आ जाओगे तो यहाँ देखो सिलिकेट स्ट्रक्चर मिल जाएंगे आपको, सिलिकेट और नॉन सिलिकेट स्ट्रक्चर, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो यही कहने का मतलब था, अगर आपने बीएससी में सोचो अच्छे से कर लिया और आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं उस चीज़ के, तो वो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो सब जगह पढ़ना है, तो अगर आप मुझे कोई अभी बीएससी का स्टूडेंट सुन रहा है तो उसके लिए कितना आसान होगा, बीएससी से आपके पास एक नोट्स होने लगे, उसको आप एड ऑन करते जाओ कि देखो बीएससी के 3 साल हो गए, 3 साल में आपको एक फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, चलो फर्स्ट ईयर में बहुत प्रॉब्लम होती है, समझने में टाइम लगता है, आप सेकेंड ईयर मिलेगा आपको, थर्ड ईयर मिलेगा, यहाँ से 2 साल मिलेंगे, 2 साल एमएससी के मिलेंगे, तो 4 साल में सोचो आपका सब्जेक्ट ये कितना स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि बीएससी लेवल पे ना हमें पता नहीं होता कि हमें क्या पढ़ने मिलना है आगे और कैसे करना है, तो मेरा मोटिव यही है कि मैं उन लोगों तक जो बेसिक बच्चे हैं उन तक पहुंचूं, और जो मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था वो मैं चाहता हूं कि लोगों को ना करना पड़े, तो इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू किया है। तो हम यहाँ बहुत ही बेसिक से आगे बढ़ने वाले हैं, और जो मुझे एमएससी वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके बाद वाला सिलेबस भी मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। ये गेट के बाद देखो आप जब यूपीएससी जीएसआई का भी दोगे पेपर, तो उसमें भी यही सारे सिलेबस हैं, थोड़े से और एक्सप्लेन किए हुए हैं एमएससी में जो सिलेबस हैं उससे कुछ 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 पॉइंट ही अलग हैं, ऑलमोस्ट वही हैं, और डिटेलिंग में पढ़ना है क्योंकि ऑब्वियसली ये यूपीएससी का सिलेबस है तो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। तो लेकिन हम इसको अच्छे से करेंगे ये, तो मेरा जो सीरीज आने वाला है बिल्कुल इसी सिलेबस पे डिपेंड होने वाला है, स्टार्टिंग से लेके हम अंत तक करेंगे, मिलके करेंगे और साथ में करेंगे, एक फैमिली की तरह जुड़ते हैं हम लोग साथ में और मिलके करते हैं। चलो मिलके सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं मिनरोलॉजी के ऊपर, और 2 महीने के अंदर इस पूरे सिलेबस को ख़त्म करते हैं जिसमें कि सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, इतना मैं चाहता हूँ। अगर आप लोगों का साथ मिला तो आई प्रॉमिस यू कि मैं 2 मंथ्स के अंदर इसको ख़त्म कर दूंगा, और इतने अच्छे अच्छे वीडियोस दूंगा कि आप उसको देखोगे, फिर अपना कोई भी बेसिक बुक फॉलो करोगे तो वो चीज़ें आपके समझने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। मैं आपको 50 से 60% काम करके दे दूंगा अपने वीडियोज़ में, आपको 40% तो करना पड़ेगा जैसा मैं कहूँगा। आपने अगर वैसा नोट्स बना लिया तो ट्रस्ट मी गाइज, मेरे पास उतना एक्सपीरियंस है, मैं ऑलरेडी सारे एग्जाम्स में बैठ के देख चुका हूँ और मैंने क्रैक भी किया है। मैं अपना इंट्रोडक्शन बाद में दूंगा आपको कि मैं कहाँ हूँ अभी, क्या कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप चिंता मत करो। मेरे कुछ वीडियोस देखो, ऑलरेडी मैं इस वीडियो के साथ 2-3 वीडियो अपलोड मैं करने वाला हूँ, एक इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरोलॉजी पे करने वाला हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स पे करने वाला हूँ, फिर क्रिस्टलोग्राफी में कुछ मैं करने वाला हूँ, 2-3 इंट्रोडक्शन वाले। आप उसको देख के ही समझ जाओगे कि आपको इस चैनल पर क्या मिलने वाला है और कितना मिलने वाला है। तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करो, फिर मैं आपको सपोर्ट करता हूँ और फिर मिलके हम आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट मी एंड मोटिवेट मी दैट आई कैन मेक मेनी मोर वीडियोस फॉर यू। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बी सेफ, कीप योर फैमिली सेफ।